महिला हॉकी टीम 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली 6 देशों की महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। इस दौरान पारंपरिक नगाड़ा और मांदर बजाते आदिवासी कलाकारों के साथ हवाई अड्डे से बाहर आने पर टीम का स्वागत किया गया। आदिवासी नर्तकों के साथ चीनी खिलाड़ियों ने भी खूब डांस किया। टीम के आगमन को देखते हुए हवाई अड्डे पर एटीएस के जवानों की तैनाती की गई थी। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए टीम के हेड कोच एलिसन ने रांची में टीम के शानदार स्वागत की तारीफ की। उन्होंने कहा, यहां आकर अच्छा लगा। वहीं भारतीय टीम को लेकर चीनी टीम की कप्तान ओयू जिक्सिया ने कहा कि भारत बेहद मजबूत टीम है, हम उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। We've of course qualified, so our approach to this tournament will be different. But we're here to grow and learn, and hopefully put together a good result. 首先哈，印度队是一个很强的对手，然后也我们很珍惜跟他们能打比赛的机会。然后这次亚冠呢，我们也是会认真对待每场比赛，也是希望能给大家带去精彩的比赛过程。 ऐसी ही कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नव भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।